कुछ दिन बहुत दिन से अभी हम नहीं निकाल पा रहे हैं हंटर, तो आज निकालते फटाफट और उसको लेके चलेंगे बाहर। अभी तो देख ही रहे बहुत दिन के बाद निकाले तो एकदम क्लीन है, एकदम चकाचक है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। मिरर सेट, इंजन ऑन, लेट्स गो। इसका सॉकर कभी कभी स्टिफ लगते रहता है, देख ले भाई मनुष्य। चलिए चचा आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मजेदार बाइक्स, ओहो भैया बोलेंगे फिर बाद में अगर वीडियो देखेंगे तो, कैसे चलाता है बाइक जी तुम। तो जैसा कि अभी कुछ दिन बहुत दिन से अभी हम नए निकाल पा रहे हैं हंटर, तो आज निकालते फटाफट और उसको लेके चलेंगे बाहर। और आज जो है था ना, आज जिम इसीलिए नहीं गए क्योंकि बकरीद के कारण जिम बंद था और पूरा मार्केट में भी ऐसे ही नॉर्मली सन्नाटा ही चल रहा है। तो बस यही अभी आज है, तो आज तो बकरीद है इस कारण से भी भीड़ वगैरह रोड पे कम मिलेगा। तो अभी तो फटाफट निकालते, बाइक भी निकालें, बहुत मशक्कत के बाद निकलता हूँ बाइक, क्योंकि दो तीन बाइक पहले से लगा रहा था उसके बाद, तो इसलिए पहले निकाले उसको, अभी हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। चलते फटाफट परफ्यूम मारते क्योंकि स्वेटिंग मारेंगे उससे अच्छा तो। और ये रहा अपना बाइक, अभी तो देख ही रहे बहुत दिन के बाद निकालें तो एकदम क्लीन है, एकदम चकाचक है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। ऐसे ही कभी कभी निकालने के लिए यही ठीक है। तो अब फिलहाल अब बैठा जाए, अब इसको उड़ाया जाए, ये लोग बस पास हो जाएं क्योंकि एक रील बना रहे हैं, तो उस रील में हमको बोलना तो है ही, मतलब हॉरिजॉन्टली बनाएंगे अभी। तो बैठे अपने, मिरर सेट, इंजन ऑन, लेट्स गो। इतना तेज चला लो कि ना कि हवा एकदम फड़ फड़ करके घुस जाए पूरा बॉडी में, पूरा पसीना सोख ले, उस टाइप से भी चलाने का मन कर रहे है। वही ऐसे ही तो चला ही रहे ऐसे। इसका सॉकर कभी कभी स्टिफ लगते रहता है, कभी कभी सही लगते रहता है, और जैसे कि अभी पीछे वाले बम पे लग रहा था स्टिफ है, और कभी कभी सॉफ्ट लगते रहता है। बताइए क्या है रॉयल इनफील्ड का मज़ा, वो तो मुझे भी नहीं पता। देख रहे हो आज तो वही बोले ना, बकरी ईद के कारण पूरा ऑफ चल रहा है, पूरा ऑफ इन द सेंस क्या, मार्केट में भीड़ वगैरह बहुत कम है। और जैसे देखो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बिरयानी वगैरह भी जो बेचते हैं वो भी नहीं है, सब्ज़ी वगैरह जो भी बेचते हैं वो भी नहीं है, फल फ्रूट जो भी बेचते हैं वो भी ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा आम वाम वाले हैं। जिन लोगों का डेली धंधा है उन लोगों को तो करना पड़ता है। पुलिस तो एकदम गौर से देखे जा रहा था, लग रहा था धर लेगा, लेकिन यूपी 16 लेके घूम रहे हैं दरभंगा में, तो मैं भी कोई रोक दे क्या फ़र्क पड़ता है, सब पेपर है मेरे पास। दुबई का गाड़ी लेके इंडिया में आदमी सब घूमता है, हम तो इंडिया का ही गाड़ी लेके इंडिया में घूमेंगे ना जी। उसका अलग फील है हॉर्नेट का, इसका अलग फील है, इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि हमको उसमें कल लैगिंग लग रहा था, पावर लग ही नहीं रहा था बाइक में, तो सोचे आज थोड़ा इसको निकाल ही देते हैं। तेल ज़्यादा फूकता है ये, बहुत ज़्यादा तेल फूक देता है, ये एक दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख ले भाई मनुष्य, चलिए चचा आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पिक करते हैं रिशु को, रिशु भी आ रहा है अभी। हाँ तो एज यूजुअल इसमें अभी भी फ्यूल थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है, एज यूजुअल नहीं बढ़वाते हैं इसमें भी बट, लेकिन कम। इसको तो निकालवे किए हैं कितना दिन के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 10-12 दिन के बाद निकाले होंगे हम, जैसा हमको याद है। ब्रेक्स आर गुड इन दिस बाइक, मज़ा आता है ब्रेक्स लेकर, कॉन्फिडेंटली ब्रेक लगता है,
चढ़वा लेगा ये लोग लगता है। चल ले चल, इसको देखो बढ़ा ले भाई, या तो यही बढ़ा ले या तो हमको बढ़ाने दे। और इस बाइक का अलग मज़ा है यार, ये बात बोलना पड़ेगा, और ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में, क्योंकि भागता अच्छा है ये, और हॉर्नेट उतना अच्छा अभी नहीं भाग पा रहा है, लेकिन उसका भी अलग मज़ा है क्योंकि थ्रॉटल पे बहुत अच्छा रिस्पांस है उस पर, मतलब कि आवाज़ आता है अच्छा, तो आवाज़ आता है तो फील होता है अच्छा, और फील होता अच्छा तो मज़ा आता है, एक नंबर इस टाइप से है उसमें। इसमें उतना आवाज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी आवाज़ वगैरह तो है एग्जॉस्ट का, अच्छा भागता मस्त है। खींचते रहो शुरू, इनिशियली में तो इसको खींचते रहो, बहुत मजा आता है खींचने में। क्या चीज का भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इतना CRPF वाले सब यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, बताइए। देख ले अंकल को जबरदस्ती रॉन्ग साइड में जाना, मजेदार बाइक्स। ओहो भैया बोलेंगे फिर बाद में, अगर वीडियो देखेंगे तो कैसे चलाता है बाइक जी, तुम आराम से चला नहीं होता है तुमको, और फोन आ रहा है किसी का। जब बात आता है सेकेंड हैंड कार्स का, तो उसमें तो मस्त सबसे अच्छा होता है आपको होंडा का कार्स, जो मानना पड़ेगा होंडा सिटी ले लो पुराना वाला, उसके बाद जो सस्ता में मिल जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता उस पर, और उसको अच्छे से मॉडिफिकेशन करवाओ, अच्छा सा बनाओ उसके इंजन वगैरह को, मस्त से करवा दो, और मन कर रहा है स्टेज ट्यून करवाने का तो ट्यून्ड भी करवाओ, अच्छा ट्यून्ड होता है यार वो सब चीज़। अपोलो हो गया, पोलो तो अभी मिलना बंद है, होंडा सिटी तो अभी भी मिलता है बट, लेकिन पोलो नहीं मिलता है। पोलो आज देखे एक नंबर रेड कलर में था, मज़ा आ गया यार देख के, दिल्ली नंबर था लेकिन वो, और दिल्ली में ही मिलता होगा पता नहीं इधर उधर कहाँ मिलेगा। तो सेकेंड हैंड कार में यही मेन बात है कि यही दो चीज़ हमको ज़्यादातर पसंद आते हैं। इको स्पोर्ट वगैरह भी ले सकते हो, हाँ इको स्पोर्ट का मस्त रहता है, उसका ड्राइविंग वाला सीन उसका बहुत अच्छा रहता है, हम सुने हैं रिव्यू वगैरह में, इको स्पोर्ट वाला ड्राइव क्वालिटी कोई नहीं देता। तब तो हो गया बातें, चलता भी घर फटाक से। जैसा कि आज हंटर को बहुत दिन के बाद आज हम निकाले थे और मस्त चलाए शाम में, तो बहुत दिन के बाद चलाए थे तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, और लास्ट डे जैसा कि हम ऑर्नेट चला रहे थे ना, तो उसमें उतना कुछ फील मज़ा नहीं आ रहा था, उस कारण से भी इसको सोचे थोड़ा निकालते, और बहुत दिन भी हो गया था उस कारण से भी, तो वही था और मज़ा आ गया चला के, और एक रील भी बना था, ये भी रीज़न था। तो ऐसा ही कुछ आज का वीडियो था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।